हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी नागपुर के कुछ जगहों पे और वहाँ की मैं आपको दिखाऊंगी गणपति जी की काफी सुंदर मूर्तियाँ। वैसे तो ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ है, बट ठीक है। तो मम्मी और मैं निकल गए थे अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले गणपति देखने, क्योंकि घूमने से थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है और मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगा रहा था। तो मम्मी और मैं रात के टाइम पे गए थे, थोड़ा सा मतलब शाम के टाइम निकल गए थे हम लोग 6-7 बजे। और हमारा इस बार पप्पा जी नहीं बैठे क्योंकि दादाजी की डेथ हुई थी अगस्त में, तो वो 1.25 महीना होने का था, तो इसलिए हम लोग ने इस बार नहीं बैठा है। तो घर में काफी सुना सुना था, तो हम सबसे पहले गए थे बर्डी। ये है बर्डी का राजा जो कि मोदी नंबर 2 में बैठते हैं। और भगवान का जो एंट्रेंस का जो रास्ता था वो बहुत ही सुंदर से सजाए थे, पूरा लाइटिंग से कलरफुल लग रहा था। और ये फुल मार्केट के बाजू का ये एरिया है, तो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उसके बाद हम चले गए थे मेकोसा बाग, एक जगह है जो कि जरीपटका की तरफ है। और ये हम मोमिनपुर होते गए थे, तो वहाँ पे भी काफी डेकोरेशन था क्योंकि ईद भी थी आई गेस उस दिन, इसलिए। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे काफी भीड़ थी और यहाँ का जो मतलब थीम से रिलेटेड ही उन्होंने डेकोरेशन करे थे ऑक्सीजन को लेके। और गणपति जी बहुत इको फ्रेंडली थे और ये पहली बार ऐसा कुछ यूनिक देखने मिला था जो कि पूरे लकड़ी के बने थे। और सबसे मेन और अट्रैक्टिव चीज जो थी वो थी इनकी जो आंख बंद होती है खुलती है, तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और मतलब इस मूर्ति को देखने के लिए काफी भीड़ थी, मतलब बहुत दूर दूर से लोग भी आए थे देखने के लिए, तो काफी अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैंने ये गणपति जी के बारे में पेपर में भी देखी थी और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, तो मैंने सोची थी मुझे ये मूर्ति देखना ही है, तो मैं मम्मी को लेके ही गई थी। उसके लिए हमें जाने के लिए 1 घंटा लग गया। उसके बाद हम गए थे नागपुर में प्रताप नगर करके एक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे वन ऑफ दी फेमस बीजेपी के लीडर आए थे चंद्रशेखर जी बावनकुले। और यहाँ का जो थीम था वो चंद्रयान से रिलेटेड था, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था डेकोरेशन पूरा, रॉकेट वगैरह सब। और जैसे ही हम अंदर एंटर करे बहुत ही सुंदर था। मम्मी ना थोड़ा काफी खुश हो रहे थे, क्यों? क्योंकि लाइन काफी लगी थी, लेकिन हम लोग ना बीच में ही घुस गए थे तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो वही भीड़ थी तो हम भीड़ के बीच में से घुस गए थे, तो जैसे ही अंदर एंटर करे पूरा गैलेक्सी स्टार्स मून बहुत सब पूरे प्लैनेट्स बहुत ही सुंदर सजाए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत भीड़ थी पर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रियल में देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो मम्मी और मैं यहाँ पे भी घूमे, ज़्यादा जगह कवर करना नहीं हुआ क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी और घर भी जाना था क्योंकि हम रहते थोड़ा सिटी से बाहर, इसलिए। तो फिर हम रास्ते में अगर जाते थे कोई अगर ऐसा पंडाल पड़ता है और कोई मूर्ति होती तो हम वो भी देख रहे थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखे, हमने पूरा अच्छे से एकदम डिटेल हम सामने खड़े होकर देखे, लेकिन किसी को यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े रुकने नहीं देते क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आते रहते देखने के लिए। तो ये थी प्रताप नगर की, मतलब प्रताप नगर का जो एरिया है वहाँ की मूर्ति थी, बहुत सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल। और मतलब मन अच्छा लग रहा था देख के, एकदम खुश, मतलब कैसा, एक तो घर पे इस बार गणपति बैठने से तो सुना सुना लग रहा था, पर ठीक है अगले बार तो पापा जी आएंगे घर पे। उसके बाद हम गए थे उज्जवल नगर पे और यहाँ पे जो गणपति जी की मूर्ति थी वो देखी, एकदम मतलब नंदी के ऊपर बैठे उनके ऊपर उनके पापा जी, पापा मतलब शिव जी थे, तो ये भी एकदम क्यूट लेकिन बहुत सिंपल और अच्छी। और ये थे चीज भवन का राजा और यहाँ का जो थीम था मतलब ये केदारनाथ मंदिर पूरा बनाए थे और यहाँ की मूर्ति भी बहुत अच्छी थी, एकदम ब्यूटीफुल पूरा अच्छे से डेकोरेटिव और हर एक डिटेलिंग बहुत अच्छे से थी। तो यही सब मतलब मैंने जितना हो सके मैंने कैप्चर करने का देखी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बप्पा जी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाए और गणपति बाप्पा मोरिया पुरचावर शीलो करिया, बाय बाय, टेक केयर। और सब आप सब अपना ध्यान रखना और मिलते जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।